तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम पूरा जानते हैं। तो नंबर होता क्या है? संख्या। देखिए, नंबर एक अंदाज है जो किसी भी प्रश्नों का उत्तर देता है, जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देता है। कि आपसे पूछे कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, आपके बैग में कितना पेन्स है, आपके बैग में कितना बुक्स है, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप तो जो जवाब दीजिएगा वो नंबर होगा। यानी नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, हाउ मेनी पेन्स इन योर बैग, हाउ मेनी बुक्स इन योर बैग एट्सेट्रा। तो नंबर एक अंदाज है जो किसी भी प्रश्नों को उत्तर देता है। या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट विच इज यूजिंग विथ मेजरमेंट और काउंटिंग। कि नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज मेजर करने में या काउंटिंग करने में करते हैं। नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वैसा नंबर जो नंबर लाइन पर रहता है, रियल नंबर होता है, या वैसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, रियल नंबर कहलाता है। ए नंबर विच लाई ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर, या ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर कॉल्ड रियल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो दो आएगा, तो पॉजिटिव नंबर आया तो ये रियल नंबर है, यानी रूट टू रियल नंबर। जैसे माइनस थ्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस नाइन आएगा, यानी माइनस थ्री रियल नंबर है। यानी जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आता है उस नंबर को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर होता है, ए नंबर हुज स्क्वायर इज ए नेगेटिव नंबर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। या वैसा नंबर जो नंबर लाइन पर नहीं होता है उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। स्क्वायर रूट अंडर माइनस वन, इसका स्क्वायर नेगेटिव नंबर आया तो स्क्वायर रूट अंडर माइनस वन जो है वो इमेजिनरी नंबर होगा। यानी जिस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर हो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आसानी से समझ में आ गया होगा। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं? जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो। यानी ए नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो कॉल्ड रेशनल नंबर। और ई रेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग होता है। यानी ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। वैसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स और क्यू जीरो के बराबर नहीं। या ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट करता है और ना ही टर्मिनेट करता है, यानी ना तो रुकता है ना रिपीट करता है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जिस नंबर को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2y3, 1.4, इसको भी हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 2.56, इसको भी हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि p और q दोनों इंटीजर हो और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो। इरेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे रूट टू, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.414 .. इट इज़ नाइदर टर्मिंग नॉर रिपीटिंग। यानी इसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद ना तो रुकता है ना रिपीट करता है। हम जानते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट करता है उसको भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो टर्मिनेट करता है यानी जो रुक जाता है उसको भी हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट टू हो गया, रूट थ्री, 1.21211211 तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। यानी जिसको हम पी वाई क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल, और जिसको लिख सकते हैं वो रेशनल। तो हमको पढ़ना है रेशनल नंबर क्लास 8 में। रेशनल नंबर दो प्रकार का होता है, पहला होता है फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर्स।
फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो ए पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी होल के पार्ट को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/3, 3/4, यानी पूरे के जो भाग होता है, यानी फ्रैक्शन जो शब्द है वो फ्रैक्टस से बना है, जिसका मतलब ही होता है पार्ट, टुकड़ा, इंटीजर। इसको तीन भाग में बांटा गया है, नेगेटिव इंटीजर, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो नेचुरल नंबर होता है, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 .. और ये ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर का जो समूह होता है वो कहलाता है होल नंबर। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो, यानी सभी नेचुरल नंबर ज़ीरो के साथ जो होता है वो होल नंबर होता है। यानी नेचुरल नंबर और ज़ीरो का जो समूह होता है, सेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। और फ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, वल्गर फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। वल्गर और डेसिमल, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं वैसे फ्रैक्शन को जिसका डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो अदर देन पावर ऑफ 10, यानी पावर ऑफ 10 को छोड़ के, यानी 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, ये सब को छोड़ के कोई भी नंबर डिनोमिनेटर हो सकता है, जीरो के अलावा, जीरो को छोड़ के। तो जैसे 3/7 ये वल्गर फ्रैक्शन, 5/15 ये वल्गर फ्रैक्शन। यानी ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी नंबर अदर देन पावर ऑफ 10, या अदर देन 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000 एट्सेट्रा। और डेसिमल फ्रैक्शन किसको कहते हैं? इसका जस्ट अपोजिट, कि ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10, यानी इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो पावर ऑफ 10, यानी 10^1 यानी 10, 10^2 यानी 100, 10^3 1000, यानी वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या 100 हो या 1000 हो एट्सेट्रा। तो हम लोग पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रेशनल नंबर में हम लोगों को पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है समझने के लिए हम लोग दो नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे 5 और 3, इसको जोड़ते हैं, रिजल्ट 8 आता। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 है, यानी ये दोनों नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। यानी दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पर हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो हम इसको कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यानी नेचुरल नंबर जो है एडिशन के अंडर में क्लोज्ड होता है। अब 5 और 7 दो नेचुरल नंबर लिए, इसको घटा दिया तो रिजल्ट आया -2। यानी दो नेचुरल नंबर को घटाने पर रिजल्ट नेचुरल नहीं आया, यानी दो नेचुरल नंबर को घटाने पर हमेशा रिजल्ट नेचुरल नंबर नहीं आता है, तो हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी नेचुरल नंबर जो होता है सब्ट्रैक्शन के अंडर में क्लोज्ड नहीं होता। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, दो नेचुरल नंबर लिए, 5 × 3 रिजल्ट आया 15, 3 × 2 रिजल्ट आया 6। यानी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेचुरल नंबर आता है, तो हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी दो कोई भी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर आए, तो हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो क्लोज्ड होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हम दो और नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे 6 और 3, 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 2। यानी ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, रिजल्ट भी नेचुरल, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जैसे हम 3 को 6 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 0.5, तो ये नेचुरल नहीं है। यानी
एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा नेचुरल नहीं आता है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो मेरे समझ से क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये तो नेचुरल नंबर पढ़ रहे थे, अब इंटीजर में हम लोग पढ़ते हैं कि दो इंटीजर लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर, जैसे -3 और +0, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, दो इंटीजर को ऐड करने पर -3 आया, तो ये भी इंटीजर, यानी दो कोई भी इंटीजर को ऐड करने पर रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब दो इंटीजर लिए 4 और -3, यानी 4 भी एक इंटीजर है, दूसरा -3 इंटीजर, तो 4 से -3 को घटाते हैं तो रिजल्ट 7 आता है, -+4 और 3 7, तो एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को घटाने पर रिजल्ट भी इंटीजर आया, तो हम लोग कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आया, जैसे यहाँ पर 7 × 0 दोनों इंटीजर, रिजल्ट 0 आया, -2 × 3 रिजल्ट -6 ये भी इंटीजर आया, यानी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इंटीजर आता है, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम दो इंटीजर लेते हैं डिवीजन के लिए, जैसे 4 को 2 से भाग लगाते हैं, रिजल्ट 2 आया, यानी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से भाग लगाने पर रिजल्ट भी इंटीजर आता है। फिर देखते हैं -6y2 और रिजल्ट -3, रिजल्ट इंटीजर आया, -2y4 ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, लेकिन रिजल्ट इंटीजर नहीं आता, ये इंटीजर नहीं है, तो क्या पता चला कि इंटीजर डिवीजन के अंडर में क्लोज नहीं होता है, यानी इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इस तरह से हम होल नंबर में भी देख सकते हैं और रेशनल नंबर भी देख सकते हैं। तो मेरे समझ से क्लोजर प्रॉपर्टी आपको आसानी से समझ में आ गया हो। तो पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कोई भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि रिप्रेजेंट 3y4 ऑन नंबर लाइन, तो कोई भी रेशनल नंबर दिया रहे तो हम देखेंगे इसको कि ये किसके किसके बीच में, यानी कौन कौन से इंटीजर के बीच में है। तो ये जो है वो 0 और 1 के बीच में, जैसे 4 से 3 को हम भाग लगाएंगे तो 0.28 आ जाएगा, 0.7 यहाँ पर 2, इस तरह से आगे बढ़े, यानी 0. कुछ आया, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में। तो 3y4 0 और 1 के बीच में, तो एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, इधर 0 होगा, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, इधर प्लस इन्फिनेट तक जा सकते हैं, इधर -1, -2, -3, माइनस इन्फिनेट तक, हमको मतलब है 0 और 1 से, क्यों, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में। अब देखेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 4, तो हम 0 और 1 के बीच को 4 भाग में बांटेंगे। उसके बाद अब न्यूमरेटर देखेंगे, तो न्यूमरेटर कितना है 3, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, अगर प्लस में रहे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट गिनेंगे, अगर माइनस में रहता तो राइट टू लेफ्ट गिनते हैं, तो ये +3 है तो हम लोग लेफ्ट टू राइट 1, 2 और 3। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3y4 ऑन नंबर लाइन। अगर क्वेश्चन रहे रिप्रेजेंट -5y7 ऑन नंबर लाइन, तो हम देखेंगे है किसके किसके बीच में, अगर माइनस नहीं रहता, 0 और 1 के बीच में होता, माइनस है 0 और -1 के बीच में, तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रा करें, ये 0, इधर 1, इधर 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5 तक जाएंगे, हमको मतलब है 0 और -1 से, क्योंकि ये -5y7 जो है वो 0 और -1 के बीच में। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले ये देखें कि डिनोमिनेटर 7 है, तो 0 और 1 को 0 और 1 के बीच को 7 भाग में बांटेंगे। उसके बाद हम लोग नंबरेटर देखेंगे, तो नंबरेटर कितना है 5, प्लस में कि माइनस में, तो -5 है, तो माइनस अगर रहे तो हम लोग राइट टू लेफ्ट गिनेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ -5y7 ऑन नंबर लाइन। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहता तो कैसे बनाते हैं, रिप्रेजेंट 5y3 ऑन नंबर लाइन,
ध्यान रहे कि जब नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो देखें कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे इस तरह से। 3 × 1 = 3 + 2 = 5/3 हो जाए, तो ये एक के बाद फ्रैक्शन यानी ये एक और दो के बीच में, या हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं 3 से 5 को हम लोग भाग लगाएंगे, 1.666 इस तरह से, तो 1.6 ये एक और दो के बीच में, तो 5/3 जो है वो एक और दो के बीच में नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये 0 इधर 1, 2, 3, 4 इधर -1, -2, -3 जहाँ तक जा सकते हैं, हमको मतलब है सिर्फ 1 और 2 से, क्योंकि 5/3 1 और 2 के बीच में। अब देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो 1 और 2 के बीच को 3 भाग में बांटेंगे। अब देखेंगे न्यूमरेटर कितना है, 2 है, तो 2 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, तो अगर प्लस में रहे तो हम लोग राइट लेफ्ट टू राइट की नहीं यानी 1 और 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3। तो यह था रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5/3 ऑन नंबर लाइन। अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि रिप्रेजेंट -8/3 ऑन नंबर लाइन, तो इसको भी उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये होगा, तो देखेंगे ये कि है किसके किसके बीच में, तो ये -2 और -3 के बीच में। अगर 8/3 देखेंगे तो 2 point कुछ होगा, तो 2 point कुछ है तो 2 और 3 के बीच में, तो -8/3 है तो यानी -2 और -3 के बीच में। तो हम सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये है 0, ये 1, 2, 3, 4 प्लस इन्फिनेट तक, -1, -2, -3, -4 इधर माइनस इन्फिनेट तक जाएंगे, -8/3 -2 और -3 के बीच में, तो हमको मतलब है -2 और -3 से। डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। न्यूमरेटर कितना है, 2 है, लेकिन माइनस में, तो अगर माइनस में रहे तो हम आपको बताए थे कि राइट टू लेफ्ट गिनेंगे, अगर प्लस में रहता तो लेफ्ट टू राइट गिनते, तो माइनस में है तो इधर 1 और 2। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ -8/3 ऑन नंबर लाइन। तो आप लोग घर में बनाइएगा। क्वेश्चन रहे रिप्रेजेंट द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन है 7/9, दूसरा है 3/5, तीसरा -8/5, चौथा है -3/5, पांचवा -3/2, छठा है 11/6, सातवां 1.2, आठवां 1.6 और नौवां क्वेश्चन है 5/2 और दसवां 3/10 माइनस में। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 1.2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 12/10 हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 6/5 होगा। जिस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करिएगा नंबर लाइन पर, उसी तरह से इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बाकी बात अगले वीडियो में।